रेलवे एनटीपीसी एग्जाम शुरू होने से 3 से 4 दिन पहले कोई आपको एक 30 क्वेश्चंस का सेट प्रोवाइड कराता है और आपसे कहता है आप यदि इसे पूरा कर लो तो आसानी से एग्जाम में 20 सवाल कर जाओगे और वाकई में वही 20 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फिर आप उसे क्या कहोगे? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, या तो फिर पेपर जो है वो लीक था, या फिर सेकेंड आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, या तो उसकी कोई सेटिंग नहीं हो। बट ऐसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे उस व्यक्ति का मेहनत है और उसका तजुर्बा है। ओके, देखो मैं आपसे अपने पहले कुछ प्रूफ दिखा दूं, उसके बाद आगे बात करता हूं आपसे। ये सारे प्रश्न जो आप देख रहे हो सेम इस पे बेस्ड आपके सवाल आ चुके हैं 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को। ठीक है, ये जो 3 दिन आपके एग्जाम चल रहे हैं, 6 शिफ्ट जो हुए हैं आपके और अभी NTPC के, उसमें डायरेक्ट इससे सवाल पूछे जा चुके हैं। आप लोग मैच कर लो और कहीं भी किसी भी चैनल पर जाकर उसका एनालिसिस देख सकते हो। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं, यहाँ भी देख सकते हो जितने भी प्रश्न हैं आपके सामने। ओके, ये सभी प्रश्न हैं, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और वहाँ जाके मैच कर लो। जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, बट क्या है अदर चैनल पे मैं देख रहा था, उसमें क्या है वो करवा रहे हैं आपसे 20,000 के अप्रॉक्स मैथ्स का क्वेश्चन वो प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें से यदि 20 से 30 सवाल पूछे जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स का टॉपिक है, उससे बाहर नहीं जाना। बट इसमें क्या है, यदि वही लोग आपसे कोई 30 सवाल आपको प्रोवाइड कराए और उससे यदि 20 सवाल आपके सेम टू सेम यदि एग्ज़ाम में पूछे जाए तो उससे एक संयोग कह सकते हैं। ठीक है, बट उसके पीछे क्या है, उसका मेहनत है, तजुर्बा है। आपको जानकारी के लिए बता दूँ, वैसे स्कोर नहीं होता। वो जो स्कोर है 2016 के NTPC के एग्ज़ाम में, प्री में और मेंस में, 30 आपका प्री में रहा था स्कोर और 31 रहा था मेंस में स्कोर। तो ये जो है ये मेंस का स्कोर कहता है, जो आपका उनका एक्सपीरियंस है, जो एग्ज़ाम में सीधे सवाल दिख रहे हैं। अब देखो, मैंने आपको एक बैच प्रोवाइड कराया था जो कि सभी पुअर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री था, वो RRB NTPC सुपर 30 के नाम से था, वो मैथ्स का बैच था। उससे आप लोग देखोगे उसमें मैं आपको कुल मिला के 15 से 20 सवाल प्रत्येक टॉपिक का कराया हूँ, यानी कि टोटल आपके 100 से 120 सवाल होंगे। और उससे आप देखोगे लगातार एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं आपके, जो रेलवे के पेपर चल रहे हैं, केवल 3 दिनों में देखोगे आप उससे सवाल बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। उससे बाहर नहीं जाना है आपके एग्जाम में, आप उतना कर जाओगे सफिशियंट है। इसके अलावा मैं आपको 300 प्रश्नों का निचोड़ दिया था करेंट अफेयर्स का, जो कि आपका जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का था। वहाँ पे क्या था, उससे आप लोग देखोगे सभी शिफ्ट में अब तक 3 से 4 सवाल आए हैं उससे, उस वीडियो से आप लोग जाके मैच कर सकते हो आसानी से। वहाँ क्या था, उस टाइम लोग क्या था आपको 1000 अदर चैनल पे अदर टीचर लोग क्या था 1000 क्वेश्चंस का दे रहे थे आपको वीडियो, बट उतना टाइम था नहीं जो आप 1000 पढ़ो। 8 से 9 सवाल के लिए 1000 क्वेश्चन को पढ़ना वो स्मार्ट वर्क नहीं है। इसके लिए मैंने आपको केवल 300 निचोड़ों का निचोड़ दिया और उससे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग वीडियो को जाके देख सकते हो। इसके अलावा वर्तमान में कौन क्या है, एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, उसमें डिटेल में बताया था। उसमें मैं जो आपको प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का जो सैलरी बता रहा था और प्राइम मिनिस्टर का, उससे भी एक सवाल आया है। तो आप लोग जाओ देखा करो, जितना भी कंटेंट दूँ उस पर भरोसा करोगे तो सफल होगे एग्जाम में, प्री आसानी से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए पंक्ति तो सुना ही होगा, जो भीड़ तो आपको हौसला देती है बट आपकी पहचान छीन लेती है। सेम टू सेम वही बात है, कुछ फैकल्टीज़ हैं जो कि अदर कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, वहाँ पे आप लोग देखोगे उन लोगों को, वहाँ पे वो यदि 20 से 30 हज़ार क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहे हैं और उससे यदि 20 सवाल पूछ दिया जाता है तो उसके लिए वो कह रहे हैं। ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप वही यदि आप में है उतना पावर है कैपेसिटी तो आप केवल 100 से 150 क्वेश्चन प्रोवाइड कराओ, और यदि उससे 20 से 30 सवाल पूछे जाते फिर मानो मैं आपको आने वाला जो आपका सेकेंड स्लॉट है, आपका सेकेंड द्वितीय चरण जो होना है रेलवे NTPC का, उसके लिए भी मैं आपको एक सुपर गेस्ट दूंगा और आप देखना उससे सेम टू सेम सवाल वहाँ पे पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा, किसी का भी गुलामी मत करो। मैं कमेंट में देखता रहता हूँ सभी स्टूडेंट को, आई लव यू सर, आई लव यू मैम, बट उनको देखो, कंटेंट को आप लोग देखो और कंटेंट से कुछ सीखो, ये ज़रूरी नहीं है आँख मूंद के भरोसा करो। ठीक है, चलिए और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बाकी जिन लोगों ने भरोसा किया, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, कॉल आया, उन तमाम लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया जो लोग हम पे भरोसा करके चल रहे थे। और एक बार फिर से आने वाले जो शिफ्ट हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेरे, वो क्या करेंगे, अच्छे से जितना भी मैं प्रोवाइड करा उतना देख के जाओ, कम समय दो। मैटर ये करता है जो आप कितना कम समय में कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखो
यदि आप कम समय देते हो हमारे चैनल पे, बहुत कम कंटेंट आपको मिलेंगे, बट जितने भी कंटेंट मिलेंगे वो सॉलिड मिलेंगे। और वही यदि एग्जांपल के लिए आप दूसरे अदर चैनल पे जाते हो और पूरे दिन क्लास में लगे रहते हो, मैराथन क्लास, और वहाँ से यदि वहाँ से 20-30 सवाल फंस भी जाए तो क्या फ़ायदा है उससे? ठीक है, उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। कम समय में ज़्यादा यदि आप कहीं से अर्न कर रहे तो वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, देख लेना, जो भी आप सुपर गेस, केवल 30 सवाल का वो सुपर गेस था, उससे 20 सवाल आ चुके हैं एग्जाम में। आप मेरे चैनल पे जाओगे, आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें क्या रहेगा, मैथ्स में उसका जो टॉपिक रहेगा उस पर लिखा रहेगा, आपको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बस ये 30 सवाल कर लो, 20 सवाल आपके एग्जाम में दिख जाएंगे। और वाकई में उससे एग्जाम में प्रश्न दिख चुके हैं 20-20 सवाल। आप लोग जाके देख लेना आज हमारे चैनल पे, उसके बाद आप लोग कमेंट करना। पहले वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, उसके बाद कमेंट करना, अपनी राय दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।